योगी सरकार की पुनरावृत्ति होते ही अपराधी माफियाओं में फिर हड़कंप मच गया है। बाबा का बुलडोजर जहां माफियाओं के अवैध कब्जे ध्वस्त कर रहा, वहीं यूपी पुलिस फुल एक्शन मोड में है। मुख्तार अंसारी की मुसीबतें दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती ही जा रही हैं। आज मुख्तार को बांदा जेल से एम्बुलेंस के द्वारा लखनऊ लाया जा रहा है। आपको बता दें कि एम्बुलेंस से मुख्तार अंसारी का पुराना नाता भी है और इसी एम्बुलेंस के चलते मुख्तार के एक दर्जन से अधिक गुर्गे पुलिस की गिरफ्त में पहले ही आ चुके हैं। एम्बुलेंस के फर्जी रजिस्ट्रेशन मामले में पुलिस ने वैसे तो कार्रवाई की ही है, लेकिन अब मुख्तार के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा कर बाराबंकी पुलिस ने भी बता दिया है कि हम भी किसी से पीछे नहीं है। मुख्तार अंसारी सहित 13 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। जैसा कि पूर्व में ज्ञात है कि चर्चित एम्बुलेंस प्रकरण में इन्हीं अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली में ही आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। आज इस पूरे प्रकरण में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई है। इसकी विवेचना आगे एसओ देवा द्वारा की जाएगी। विवेचक को निर्देशित किया गया है कि अन्य साक्ष्यों के साथ 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत भी साक्ष्य एकत्रित किया जाए और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई हो आगे सुनिश्चित की जाए। माफिया मुख्तार अंसारी अपनी जान को लेकर कई बार गुहार लगा चुका है, लेकिन एक बार फिर मुख्तार और एम्बुलेंस का चोली दामन वाला साथ चर्चा में है। दरअसल बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से लखनऊ लाया जा रहा है। एम्बुलेंस और वज्र वाहन से मुख्तार अंसारी को लखनऊ कोर्ट में पेशी के लिए लाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में निरुद्ध बाहुबली मुख्तार एम्बुलेंस और वज्र वाहन के साथ मुख्तार अंसारी लखनऊ लाए जा रहे हैं। प्राप्त जानकारी अनुसार मुख्तार को एम्बुलेंस में रखा गया है। एम्बुलेंस में एक फार्मासिस्ट, डॉक्टर और पुलिसकर्मी बैठे हैं। मुख्तार को फतेहपुर रायबरेली के रास्ते लखनऊ लाया जा रहा है। मुख्तार अंसारी की आज लखनऊ कोर्ट में पेशी होनी है। उन पर लखनऊ के जियामऊ इलाके में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शत्रु संपत्ति हथिया कर उस पर अवैध निर्माण कराने का आरोप है। इस मामले में मुख्तार अंसारी के साथ ही उनके बेटे उमर अंसारी और अब्बास अंसारी पर भी केस दर्ज किया गया था। यही नहीं, मुख्तार की मुश्किलें तो घटने का नाम ही नहीं ले रही हैं। वहीं मऊ से विधायक मुख्तार के बेटे ने रात में ट्वीट कर अपने पिता के साथ अनहोनी की आशंका जताई थी। ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, साथ ही न्यूज की हेडलाइन भी बना। कुल मिलाकर योगी 2.0 सरकार बनते ही योगी सरकार फुल एक्शन में है और यूपी पुलिस भी उसी ताल में ताल मिलाकर अपराधियों के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई में जुटी है। जहां ऐसी कार्यवाहियों से अपराधियों में हड़कंप मचा है, वहीं माफिया मुख्तार की नींदें भी उड़ी हैं।